बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें गवाहों को सुरक्षा देने, अररिया राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय का नाम फणीश्वर नाथ रेणु के नाम पर करने, न्यायालय के विभिन्न कोटि के 666 अराजपत्रित पदों और सुपौल के 8 अराजपत्रित पदों पर बहाली को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी। कैबिनेट ने पूर्णिया और कटिहार के 2 चिकित्सकों को सेवा से बर्खास्त करने की भी मंजूरी दी है। उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक के स्वीकृत 259 पदों में से 50 पदों को प्रत्यावर्तित कर 30 और पुलिस निरीक्षकों को वेतन स्तर 7 में सृजित करने की बात पर भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। देश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना केंद्र सरकार ने शुक्रवार को जारी कर दी है। अधिसूचना जारी किए जाने के बाद बीजेपी नेता एवं केंद्रीय मंत्री ने भारतवासियों से जय श्री राम का रिश्ता बताया। केंद्रीय मंत्री एवं बीजेपी के फायर ब्रिगेड नेता गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख एवं अन्य अधिसूचित अल्पसंख्यकों का अपनी धरती हिंदुस्तान में स्वागत है। CAA पर भारत का राजपत्र जारी हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतवंशी, मेरा तेरा रिश्ता क्या, जय श्री राम, जय श्री राम। CAA NRC को वापस लेने की मांग को लेकर मुजफ्फरपुर के औराई में राजद विधायक डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना सभा का आयोजन किया गया। विधायक श्री यादव ने कहा कि नीतीश मोदी की केंद्र सरकार को आम लोगों की जन समस्याओं को सुनने की फुर्सत नहीं है। NRC जैसे मुद्दों को लेकर गरीबों को परेशान किया जा रहा है, इसे वापस लिए जाने तक राजद एवं इसका कार्यकर्ता नेता चुप रहने वाला नहीं है। धरना सभा पर मोहम्मद एजाज, रंजीत पासवान, मुन्ना यादव, अनिसुर रहमान समेत कई लोग मौजूद थे। पूरे भारत में आज सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज मुजफ्फरपुर के गायघाट में भी परिवहन कार्यालय मुजफ्फरपुर की तरफ से जागरूकता अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में जन जागरूकता का रथ निकाला गया। इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि बाइक चलाने के दौरान सुरक्षित यातायात परिचालन के नियमों का भी ध्यान रखना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई अड्डे के बाहर संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के बीच 2 दिवसीय यात्रा पर कोलकाता पहुंचे। राज्य के मंत्री फराहाद हाकिम, भाजपा के पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष और भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने मोदी की आगवानी यहां की। मोदी शनिवार और रविवार को कोलकाता में ही रहेंगे। वह 12 जनवरी को कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट के 150वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित होने वाले समारोह में शामिल होंगे। बंदरा पंचायत में शनिवार को युवा समाज सेवी सह पूर्व जिला पार्षद प्रत्याशी मोहम्मद सज्जाद के द्वारा गरीब असहायों के बीच कंबलों का वितरण किया गया। मोहम्मद सज्जाद ने बताया कि 150 परिवारों के बीच आज कंबलों का वितरण किया गया। इस मौके पर संतोष इम्तियाज, मोहम्मद रब्बानी, मोहम्मद जाहिद, अमजद अली, नजम अशोक, ननकी राम, संतोष कुमार, मिथिलेश राम सहित कई लोग मौजूद थे। कटरा प्रखंड मुख्यालय पर भी धरना सभा का आज आयोजन किया गया। विराट प्रदर्शन किए गए, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय जनता दल के कटरा प्रखंड के अध्यक्ष राम मिलन महतो ने की। संचालन जिला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ मोहम्मद मगफूर आलम कर रहे थे। धरना सभा को संबोधित करते हुए राजद नेता ने सरकार को शिक्षा विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि यह सरकार नहीं चाहती कि युवाओं को रोजगार मिले। बिहार के सिवान में दरौली में गुठनी के टेकनिया कुटी CSP संचालक से 1,10,000 रुपए लूटकांड के मामले की जांच पुलिस कर रही थी। इसी बीच अपराधियों ने दरौली थाना क्षेत्र के बवना चट्टी स्थित स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र की को अपना निशाना बना लिया। अपराधियों ने यहां CSP केंद्र के संचालक से हथियार के बल पर काउंटर में मौजूद 1,83,000 रुपए लूट लिए। इस घटना को एक बाइक पर सवार 4 अपराधकर्मियों ने अंजाम दिया। सूचना पर SP अभिनव कुमार भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना की जानकारी ली तथा इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। झारखंड के व्यवसाय से शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में 1,80,000 रुपए 3 अज्ञात अपराधियों ने लूट लिए थे। शनिवार को पूर्वी सिंहभूम की नीमडी पुलिस ने इस लूटकांड के सिलसिले में
चार लोगों को गिरफ्तार किया है। उनसे 1,65,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस मामले की जानकारी दी है। सीएए, एनआरसी और एनपीआर के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की गलत नीतियों, भारतीय संविधान के साथ छेड़छाड़, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हो रहे हमले, राज्य की बदहाल कानून व्यवस्था, महिलाओं की असुरक्षा, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और अन्य स्थानीय सवालों को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के आह्वान पर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा राज्य के सभी प्रखंडों एवं जिला केंद्रों पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड मुख्यालय पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष सुनील कुमार राय की अध्यक्षता में भारत सरकार के जन विरोधी कानून सीएए, एनआरसी एवं एनपीआर के खिलाफ एक दिवसीय धरना सभा का आयोजन किया गया। इससे पहले प्रदर्शन कार्यक्रम का भी आयोजन था, जिसका संचालन रामबाबू सिंह कर रहे थे। धरना सभा को संबोधित करते हुए गायघाट विधानसभा के राजद नेता निरंजन राय ने कहा कि लोगों के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जब तक भारत सरकार इस काला कानून को वापस नहीं लेती है, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। देश को बांटने और गरीबों को, वंचितों, अल्पसंख्यकों के खिलाफ भाजपा के द्वारा साजिश के तहत अपने ही देश में घुसपैठियों को घोषित करने का जो कानून बनाया गया है, वह गलत है। उन्होंने कहा कि वह जनबल के माध्यम से काला कानून वापस लेने तक लगातार विरोध का प्रदर्शन एवं धरना का आयोजन करते रहेंगे। बंदरा प्रखंड मुख्यालय के प्रांगण में भी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से सीए, एनआरसी, एनपीआर के काला कानून के विरोध में एक दिवसीय धरना सभा का आयोजन किया गया। आरजेडी के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष राम बीरेश सहनी कर रहे थे। संचालन युवा राजद के नेता विनय यादव ने किया। धरना सभा में राजद नेता निरंजन राय ने कहा कि यह कानून देश के लिए बहुत ही गलत है, आम लोगों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस काले कानून की वापसी होने तक उनका प्रदर्शन और धरना जारी रहेगा। मौके पर एक प्रतिनिधि मंडल ने बंदरा के प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलकर राज्यपाल के नाम मांगों का ज्ञापन सौंपा। धरना सभा को महिला सेल के अध्यक्ष मंजू सानी, राजद नेता बबलू कुमार, महेश राय, मोहम्मद सज्जाद, सीताराम महतो, संजय यादव, कनक लता, विकास यादव, अशोक पंडित, राम प्रवेश आदि ने भी संबोधित किया।